शाम के 7:30 बजने को हैं। एक बार फिर से आप सभी का एबीपी न्यूज पर बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मुंबई यात्रा, आज से हमारा ये नया कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। जितेंद्र दीक्षित हमारे संवाददाता मायानगरी मुंबई के लोगों के बीच से ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे कि 2019 की सत्ता को लेकर, 2019 की सियासत राजनीति को लेकर क्या सोच रहे हैं मायानगरी मुंबई के लोग। नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, कौन कौन से मुद्दे हैं जो छाए रहने वाले हैं। मुंबई यात्रा के जरिए लोगों ने अपनी राय क्या जाहिर की है, देखिए जितेंद्र दीक्षित के साथ मुंबई यात्रा। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और मुंबई यात्रा की शुरुआत हम उस जगह से करते हैं जहां से भारत ने रेल यात्रा शुरू की थी। इसी रेलवे स्टेशन से मुंबई और पड़ोसी शहर ठाणे के बीच पहली ट्रेन चली थी। इस रेलवे स्टेशन को पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था और अब इसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। ये रेलवे स्टेशन दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट में आता है और इसी सीट में लगभग वो तमाम प्रतीक आते हैं जो कि मुंबई के लिए जाने जाते हैं। समंदर की लहरें और उन लहरों के किनारे खड़ा गेटवे ऑफ इंडिया हो या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मरीन ड्राइव भी इसी दक्षिण मुंबई लोकसभा का हिस्सा है। इस इलाके में न जाने कितनी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है और शहर के इस इलाके को आप न जाने कितनी फिल्मों में देख चुके हैं। सोने चांदी की डगरिया, जी हाँ, हम इस वक्त मुंबई की सोने चांदी की डगरिया में ही खड़े हैं जिसे कि जवेरी बाजार के नाम से जाना जाता है। जवेरी बाजार उन मुंबा देवी माता के मंदिर के इर्द गिर्द बसा है जिनके नाम पर की ये शहर है। जवेरी बाजार इलाके में सोने चांदी की छोटी बड़ी 3,000 दुकानें हैं जिनसे करीब 35,000 लोगों को रोजगार मिलता है। बाजार की इस भीड़ में मुंबा देवी के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के अलावा सोने चांदी के गहने बनाने वाले कारीगर भी शामिल हैं। अभी एमपी राजस्थान में बीजेपी बुरी तरह हारी है। हार में एक कारण व्यापारियों की नाराजगी को बताया जा रहा है। जितेंद्र दीक्षित ने तय किया कि वो सबसे पहले व्यापारियों का मूड समझेंगे, लिहाजा घूमते हुए वो पहुंच गए उम्मीद मल त्रिलोकचंद ज्वेलर्स नाम की दुकान पर। यहाँ जितेंद्र की मुलाकात कुमार जैन से हुई। कुमार से जितेंद्र ने व्यापारियों की समस्या और चुनाव पर चर्चा शुरू की। तो आपको क्या लगता है कि मतलब बीच में जो परेशानी आई थी उससे ज्वेलर्स खफा नजर आए थे, लेकिन फिलहाल ज्वेलर्स जो है वो मोदी सरकार से खुश हैं? हाँ बिल्कुल, जो मैंने जैसा कि आपको कहा कि जो प्रॉब्लम्स आई उसके सॉल्यूशन लोगों को मिलता गया, तो वो प्रॉब्लम जरूर, जिस समय प्रॉब्लम आया उस समय आदमी बेचैन रहा, फेस नहीं कर पाया या फेस किया तो उसको बहुत डिफिकल्टीज रही, लेकिन जब फेस हो गया तो अब वो सेटल है और अब खुश भी है। अच्छा, एक बात बताइए कि पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें शिवसेना और बीजेपी ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, दोनों ने एक साथ चुनाव लड़ा था। मान लीजिए कि इस बार गठबंधन नहीं होता है, शिवसेना अलग से अपने उम्मीदवार उतारती है, बीजेपी अलग से उम्मीदवार उतारती है, तो फिर ज्वेलर कम्युनिटी जो है वो किसकी तरफ जाएंगी? जहाँ तक ज्वेलर कम्युनिटी का सवाल है, बरसों से, कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। बिजनेस कम्युनिटी जो है वो उन पर उनका अटूट विश्वास रहा। कांग्रेस की सरकार थी तभी भी लोग, जो व्यापारी वर्ग था वो बीजेपी के साथ में ही था। कि राज्य में भी फिर से एक बार बीजेपी की सरकार आए? हाँ बिल्कुल, बीजेपी की सरकार, मैंने जैसे कि कहा कि व्यापारियों के लिए सिर्फ अगर है, उनकी उनको क्या प्रॉब्लम आई वो अलग बात है,
लेकिन उनकी जो इंटीमेसी, जो उनकी फीलिंग्स है, वो डेफिनेटली बीजेपी सरकार के साथ में शुरू से रही है, जब कांग्रेस सरकार की थी तभी भी, और आज और भी कोई सरकार आती है तो वो जो व्यापारी वर्ग है वो हमेशा बीजेपी सरकार के साथ में ही जुड़ा हुआ है। कुमार जैन बीजेपी के पक्ष में अपना समर्थन जता रहे हैं। कुमार से बात करने के बाद मुंबई यात्रा की टीम जवेरी बाजार में कुछ और लोगों का मूड जानने निकली। मुंबा देवी मंदिर के बाहर जलेबी की दुकान पर लोगों की भीड़ लगी थी। पता चला कि ये दुकान 121 साल पुरानी है और मुंबई के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ की जलेबी का स्वाद चखने आते हैं। कढ़ाई से गर्मा गर्म जलेबी निकल रही है और लोग पोहा जलेबी का मजा ले रहे हैं। इसी दुकान पर जितेंद्र दीक्षित की मुलाकात प्रवीण त्रिपाठी से हुई। प्रवीण को शिकायत है कि चुनाव के वक्त ही सांसद विधायक दिखते हैं। हालांकि वो मानते हैं कि आएगी तो बीजेपी ही, लेकिन 2014 वाली हालत लोकसभा में नहीं रहेगी। प्रवीण जी, ये बताइए कि 4 साल की मोदी सरकार कैसी लगी आपको? क्या आपको लगता है कि वापस से मोदी सरकार को आना चाहिए? 4 साल में एक काम बहुत सारे हुए हैं, ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं हुए हैं, बहुत कुछ नया हुआ है। पर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है इन 4 सालों में, वो था नोटबंदी। उसके अंदर जो ग्राउंड लेवल के जो व्यापारी थे, जो निचले वर्ग के जो व्यापारी थे, उनकी जो स्थिति उस समय बिगड़ी वो अब तक बिगड़ी हुई है और आए दिन कुछ ना कुछ तकलीफों में वो गुजर रहे हैं। कंडीशन आज की तारीख में विपरीत है कि अगर बीजेपी की सरकार आती भी है तो बहुत मुश्किल, मुझे ऐसा लगता है कि वन साइडेड नहीं होगी, मिली जुली सरकार होगी, जो कि पिछले टाइम पर चला आ रहा है, कांग्रेस के समय पर भी कई लोगों के साथ मिलजुल कर। आपको लगता है कि इस बार उतना अच्छा बहुमत नहीं मिलेगा जैसा कि पिछली बार मिला था? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार बीजेपी की बनेगी लेकिन उतनी सीटें नहीं मिलेंगी। अगर बनती है तो शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार अभी तक तय नहीं है कि दोनों गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि शिवसेना पहले से ही ऐलान कर चुकी है कि हम तो बीजेपी से अलग हटकर चुनाव लड़ने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में किसका पलटा यहाँ पर भारी रहेगा आपको लगता है, शिवसेना का या बीजेपी का? बिल्कुल, ये बात सही है, ये लोग कहते तो जरूर है मगर एंड टाइम पर क्या होता है ये हमको भी नहीं पता और ये उनको भी नहीं पता। कब दोनों में से कौन एक साथ होते हैं और कब अलग हो जाते हैं ये पता नहीं है, क्योंकि ये हो सकता है। आज भले बोल रहे हैं हम अलग अलग लड़ेंगे, मैं कह रहा हूं कि इसका फायदा किसको होगा? फायदा कांग्रेस को होगा, फायदा कांग्रेस को होगा, डेफिनेटली होगा। क्यों, क्यों इस इलाके से फायदा कांग्रेस को क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक ज्यादा है यहाँ पर, और वो मुस्लिम वोट कांग्रेस को मिलेगा ही मिलेगा। हम अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाएं उससे पहले जिस इलाके में हम घूम रहे हैं उसका राजनीतिक समीकरण समझ लीजिए। मुंबई साउथ लोकसभा सीट पर अभी शिवसेना का कब्जा है। अरविंद सावंत ने कांग्रेस के मिलिंद देवड़ा को यहां हराया था। बीजेपी भी 2 बार इस सीट से जीत चुकी है। इस बार शिवसेना लोकसभा में बीजेपी से अलग लड़ने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में इस सीट का समीकरण बदलना तय है। जवेरी बाजार इलाके में गहनों के कारोबार से जुड़े सुरेंद्र शिवसेना को ज्यादा मजबूत मानते हैं। 4 साल मोदी सरकार के कैसे लगे आपको? को लगता है कि सरकार को फिर से एक बार मौका देना चाहिए या फिर कोई बदलाव की जरूरत है? मोदी सरकार तो फिर से उनको चांस तो देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के पास ऐसा कोई नेता नहीं जो पंतप्रधान की सीट पर बैठ सके। और जैसे महाराष्ट्र सरकार की बात आती है तो गठबंधन करके उन्होंने जो चुनाव लड़ा था, और अगर अभी वो अलग से लड़ते शिवसेना को अलग करके या अपने बलबूते पे, तो यहाँ पे शिवसेना की सरकार जरूरी है। तो शिवसेना की सरकार आनी चाहिए आपका? हाँ, हमारा कहने का शिवसेना की सरकार यहाँ आनी चाहिए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अच्छा, अभी राम मंदिर का मुद्दा उठ रहा है, विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर का मुद्दा उठा रहा है, फिर अभी शिवसेना ने भी इस मुद्दे को उठाया है, उद्धव ठाकरे अयोध्या गए थे, तो राम मंदिर ये कितना बड़ा मुद्दा रहेगा आने वाले चुनाव में आपकी नज़र में? अभी राम मंदिर का मुद्दा लेके अगर इलेक्शन के टाइम पे ये लोग बोलते तो मुद्दे में कोई ऐसा खास फर्क पड़ने वाला है ही नहीं, क्योंकि हर बार इलेक्शन आते हैं तो लोग मुद्दा राम मंदिर का उठाते, तो पब्लिक अभी इतना बुद्धू नहीं है कि वो मुद्दे पे वोट करे। भीड़ भीड़ और भीड़, ये भीड़ भी दक्षिण मुंबई की पहचान है। यहाँ पैदल चलने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। जवेरी बाजार के पास में सटे
भुलेश्वर तक जाने के लिए जितेंद्र दीक्षित ने कार को छोड़कर पैदल जाना ही ठीक समझा। जितेंद्र जब भुलेश्वर पहुंचे तो उन्हें हर तरफ मंदिर ही मंदिर नजर आए। यहां एक वर्ग किलोमीटर में कम से कम 25 मंदिर हैं। यही वजह है कि भुलेश्वर को मुंबई की काशी भी कहा जाता है। भुलेश्वर की एक और खासियत है कि ये दक्षिण मुंबई में महिलाओं का सबसे प्रिय बाजार है। यहाँ हर वक्त औरतें खरीदारी करती नजर आएंगी। भुलेश्वर के एक छोर पर ही है खिचड़ी सम्राट नाम का रेस्टोरेंट। यहाँ तरह तरह के स्वाद की खिचड़ी मिलती है। ठंड के मौसम में गाजर का हलवा भी डिमांड में है। खिचड़ी सम्राट के मालिक विपिन अग्रवाल का कहना है कि मोदी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, लेकिन उनके अलावा कोई विकल्प भी तो नहीं है। विपिन जी, ये बताइए कि जो 4 साल का मोदी का कार्यकाल रहा, तो ये कैसा लगा आपको? आपको लगता है कि जो भी उन्होंने वादे किए थे वो पूरे किए, और जो उनकी उपलब्धियां रही है तो उसको देखते हुए फिर से एक बार मौका देना चाहिए, या फिर आप बदलाव की जरूरत महसूस कर रहे हैं? ऐसा है कि इसमें बदलाव तो खैर अभी नहीं होगा। जो उन्होंने वायदे किए वो पूरे भी नहीं हुए हैं, उसमें वो चल रहे हैं। वायदे पूरे 5 साल में तो पूरे हुए भी नहीं ना होंगे, बट जो उनसे उम्मीद थी वो उम्मीद भी पूरी नहीं हुई कि ऐसा होगा, वैसा हुआ नहीं। और रही 2019 की बात और 2000 अब ये 4 साल होने के बाद, तो उसके अलावा कोई ऑप्शंस भी नहीं आ रहा है ना कि हम करेंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ, क्या है। कम से कम इस देश में उनके रहते हुए किसी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो 2019 में किसी भी तरीके से मिला के एन तैन प्रकारे प्रधानमंत्री मोदी ही बने। दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट पर घूमते हुए जितेंद्र दीक्षित अब कपड़ा मंडी की ओर जा रहे हैं। इसी इलाके में टेक्सटाइल का बड़ा कारोबार होता है। यहाँ घूमते हुए जितेंद्र की मुलाकात कपड़ा व्यापारी भरत जैन से हुई। भरत से बातचीत शुरू हुई तो मोदी सरकार से काफी नाराज नजर आए। भरत जी, ये बताइए कि ये 4 साल का जो मोदी सरकार का कार्यकाल था वो कैसा लगा आपको, और आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार को फिर से मौका मिलेगा या फिर बदलाव होगा? बिल्कुल बेकार, कोई बदलाव नहीं होएगा। बदलाव होएगा, ये पूरा बदलाव होएगा। बोला क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? कुछ धंधा पानी तो है नहीं, यही बोलेंगे ना हम लोग, और क्या बोलेंगे? धंधा पानी नहीं तो क्या बोलेंगे? कैसे धंधा पानी आपका कैसे खराब हुआ? नोटबंदी हुई, जीएसटी आई, तो धंधा पानी बंद हो गया, और क्या है? 100 में 80% तो धंधा ही बंद हो गया है। 20% चालू है, 20% जो कर रहे हो कर रहे, वही बड़े लोग कर रहे हैं, छोटे लोग तो कर नहीं सकते ऐसा। तो आपको लग रहा है मोदी सरकार का वापस आना मुश्किल है? मुश्किल है, मुश्किल है, पक्का मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट पर बड़ी संख्या मुस्लिम वोटरों की भी है। यहाँ की मीनारा मस्जिद, भिंडी बाजार, डोंगरी और मुसाफिर खाना जैसे इलाकों में मुसलमानों की बड़ी आबादी है। दक्षिण मुंबई शहर का वो इलाका है जहाँ तमाम भाषाओं, वर्गों और धर्मों के लोगों का मेल देखने मिलता है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या यहाँ पर शिवसेना और बीजेपी का मेल देखने मिलेगा? दोनों ही पार्टियों ने 2014 का चुनाव मिलकर लड़ा था, क्या 2019 में भी वही होगा? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए मुंबई यात्रा की टीम पहुंची एक्सपर्ट के पास। धर्मेंद्र जोरे मिड डे के राजनीतिक संपादक हैं। इस इलाके की जीत हार को लेकर हमने उनसे सवाल किया, उनका आकलन उन्हीं से जानिए। तो यहाँ एक गठबंधन ऑलमोस्ट हो चुका है जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी का। दूसरे गठबंधन के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, वो शिवसेना के तौर पे हो रही है कि क्या शिवसेना बीजेपी के साथ जाएगी या नहीं। और ये 5 राज्यों के रिजल्ट्स के बाद तो सेना ने इतना ऐसा एक कॉशस और एक अग्रेसिव अप्रोच लेने का उनके मन में है, ऐसा हम सभी लोग जानते हैं। तो उस व्यू में अगर देखा जाए तो यहाँ पोलराइजेशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए मैं ये देखता हूँ
कि अगर सेना और बीजेपी अलग अलग लड़ते हैं तो इन दोनों के ही वोट्स का विभाजन यहां होने वाला है। ये दोनों का यहां विभाजन होगा और कांग्रेस और एनसीपी का यहां फायदा होगा क्योंकि उनके कमिटेड वोट्स है अभी भी इस एरिया में। मुंबई यात्रा में दक्षिण मुंबई संसदीय सीट की पड़ताल में आज इतना ही। कल कैमरामैन हाशिफ खान के साथ जितेंद्र दीक्षित आपको ले चलेंगे दक्षिण मध्य संसदीय सीट का हाल बताने के लिए। तब तक देखते रहिए देश का सबसे पसंदीदा चुनावी बुलेटिन। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।